वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। कोई करने के लिए नहीं आ रहा है, बड़े बड़े नेता है। सामने मेरे को उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया, उसके बाद उसको उसके प्राइवेट पार्ट से लेके पूरे जिस्म को काट डाला। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नाम काफी चर्चा में है और वो नाम है राबिया। राबिया की कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर अच्छे अच्छे अपना माथा पकड़ लेंगे। दरअसल संगम विहार की रहने वाली 22 साल की राबिया दिल्ली सरकार के सिविल डिफेंस में काम करती थी, लेकिन अचानक 26 अगस्त को उनकी हत्या हो जाती है। अब इस हत्या की कहानी इतनी गंभीर और उलझी हुई है कि आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे। दरअसल इसमें न्यूज मीडिया और पुलिस जो कहानी बता रहे हैं वो परिवार के हिसाब से पूरी तरह से गलत है। सबसे पहले न्यूज मीडिया की बात करें तो आज तक की खबर के मुताबिक राबिया को साथ में काम करने वाले निजामुद्दीन से प्यार हो गया था। फिर दोनों ने बिना किसी को बताए कोर्ट में जाकर शादी कर ली थी। कुछ समय बाद राबिया निजामुद्दीन को इग्नोर करने लगी थी। फिर निजामुद्दीन को पता चला कि राबिया का किसी और के साथ अवैध संबंध है। इसी बात से नाराज निजामुद्दीन ने 26 अगस्त को राबिया के पूरे शरीर को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। राबिया की लाश को ठिकाने लगाने के बाद निजामुद्दीन ने दिल्ली के कालिंदी कुंज थाने में सरेंडर कर दिया। अब राबिया के परिवार की बात करें तो राबिया के परिवार वालों का दावा है कि उनकी टीका साजिश के तहत कत्ल हुआ है। उनका दावा है कि राबिया के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके शरीर में चाकू खोक कर हत्या की गई। हमें बताते हुए भी शर्म आ रही है। दावा है कि गैंगरेप के बाद पीड़िता के शरीर में प्राइवेट पार्ट में चाकू से हमला करके उसकी हत्या की गई। आगे इस मामले में राबिया के भाई ने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। मैं राबिया का भाई, बड़ा भाई हूँ, और जो ये सब हुआ उसके लिए बहुत ही गलत हुआ। उसके साथ बहुत, आप सब लोगों को पता है किस तरह से बदनाम किया गया सब कुछ। मेरी मदद कोई करने के लिए नहीं आ रहा है, बड़े बड़े नेता है आगे चले गए, किसी ने कोई मदद नहीं दी, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। मैं एक लड़की के लिए मदद करना आप नहीं आ सकते तो कल क्या मदद करोगे? कि रास्ते में गायब थी, डीएम ऑफिस में काम करती थी, किसी डीएम ने आकर के किसी ने नहीं सुना, किसी ने पूछा नहीं। आम आदमी पार्टी भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, किसी ने कोई नेता लोग घर पे आए आके चले गए, किसी ने कोई नहीं पूछा। ठीक है, जहाँ से ये मामला रफा दफा करा गया है थाने में जाकर के वो लोग पूछ नहीं रहे, फोन नहीं उठा रहे हैं, वो लोग यहाँ तक फोन उठाने को तैयार नहीं है, जबकि वहाँ से वो लोग बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, अभी तक उसके बदन को काटा गया, उसके स्तन को काटा गया, यहाँ तक कि उसके गुप्त अंगों में चाकू फूंका है। मेरी छोटी बहन थी, मेरे मामा राबिया सेठी के साथ जो दुष्कर्म करने के बाद निर्मम हत्या हुई, आज हम लोग इनके माँ बापों से मिले। माँ बापों ने तो चौंकाने वाला की बातें बताई, उसने ये बताया कि जो निजामुद्दीन नाम का लड़का है जिसने सरेंडर किया और ये झूठ कहा कि ये मेरी बीवी थी और मैंने इसको मार दिया और काट दिया। सच्चाई ये है कि सिविल डिफेंस में काम करने वाला पूरा एक गिरोह है और उनके माँ बाप ने बाकायदा दो नाम लिए हैं, एक ज्योति लड़की है और एक रविंद्र मेहरा लड़का है, और उसको और बहुत सारे साथी है। पूरा ये ग्रोह है, गैंग है। उन्होंने सबने मिलकर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया, उसके बाद उसको उसके प्राइवेट पार्ट से लेके पूरे जिस्म को काट डाला और उसे पूरी तरीके से हत्या करके उसे झाड़ी में फेंक दिया। और वहाँ का जो SHO है उसने माँ बाप का बयान भी नहीं लिया और अपनी मर्जी से FIR ली थी, और SHO ने वहाँ ये कहा कि देखो तुम किसी से फोन मत करवाना, हम अपनी तरफ से अपना आपका काम बहुत बढ़िया कर देंगे। सच्चाई ये है कि लड़की के माँ बाप का बयान तक नहीं दिया गया। दूसरी बात, ये जो अरविंद केजरीवाल जो ढिंडोरा पीटते सिविल डिफेंस के नाम से कि दिल्ली के लोगों को सुरक्षित दिलाएंगे, सच्चाई ये है कि खुद सिविल डिफेंस की महिलाएं सुरक्षित नहीं है और उनके साथ इस तरह का हत्या हो रहा है। दूसरा, ये नेक्सस पूरा गिरोह है। सवाल अब यहाँ पे जांच का है कि आखिर DM के ऑफिस में काम करने वाली 21 वर्षीय राबिया से भी जब सेफ नहीं है तो दिल्ली की आम महिला कैसे सेफ है? इसी के चलते दिल्ली मजलिस ने आज अपने पूरे लीगल सेल, यानी पूरी टीम, एडवोकेट अफसर साहब और दूसरे एडवोकेट है उनके साथ आज हम यहाँ पहुंचे और हमने इनसे बात की और हमने इनको यकीन दिलाया कि दिल्ली मजलिस आपके साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है, लीगल हेल्प भी देगी, हमारे कार्यकर्ता भी आपके साथ रहेंगे, और चाहे जंतर मंतर हो या सिविल डिफेंस ऑफिस हो या यहाँ पर उनके घर पे जहाँ पे भी हमारी जरूरत होगी मजलिस आपके साथ खड़ी रहेगी। और दिल्ली सरकार से हम आखिर में दो मांगे रखते हैं, एक तो लड़की के माँ बाप जिनको बता रहे हैं कि जो इस ग्रुप में शामिल है उस पूरे ग्रुप का गिरफ्तार किया जाए, उनको फांसी पर तुरंत लटकाया जाए और जल्द से फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल का
ड्यूटी में तैनात कोई पुलिसकर्मी या सिविल डिफेंस कर्मी शहीद हो जाता है ऐसे एक्सीडेंट होता है तो 1 करोड़ का मुआवजा देने की जो स्कीम है उसके तहत फौरन 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और ये भी सवाल है कि आगे जब कोई दलित या मुसलमान का जब इस तरह का हाल होता है जैसे भैया वाल्मीकि का केस हुआ ऐसी ये भी केस हो गया इसमें आखिर सरकार ले क्यों करती है? अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा क्यों नहीं आया? और वो जो दूसरे बड़े वाले हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं उस नारे का क्या हुआ? कहाँ है वो मोदी जी के गृहमंत्री अमित शाह? आखिर उनकी नाक के नीचे देश की राजधानी में इस तरह के काम हो रहे हैं। हम तो ये समझे थे कि सिर्फ निर्भया कांड होकर दिल्ली सुधर जाएगी लेकिन ये अब आए दिन रोजाना निर्भया जैसे और निर्भया से भी ज्यादा खतरनाक कांड हो रहे हैं। इसने दिल्ली को संसार कर दिया है, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कटा दी है। अब यहाँ चाहिए अरविंद केजरीवाल को और अमित शाह को इस दिल्ली को सुधारे और जल्द से जल्द इसके लिए कार्रवाई करे। ये मजलिस की डिमांड डिफेंस में थी, सिविल डिफेंस में बताओ ये हत्या इन्होंने की है तो किस वजह से? जब सिविल डिफेंस में कर सकते हैं तो आम बेटियों का क्या होगा? जो सुनने हमें 8 बजे दी थी ठीक है, लड़के को कह रहे हैं कि 11 बजे सिलेंडर हो गया है तो 11 बजे जब लड़का सिलेंडर कर सकते हैं तो लड़की के घर पे पता क्यों नहीं दे सकते हैं? 8 बजे बताओ, सुबह दूसरे दिन को 8 बजे पता हमें दे रहे हैं तो ये अन्याय है कि नहीं? उनकी सुनवाई हो जो ज्योति है उसको गिरफ्तार किया जाए और जब वो गिरफ्तार हो जाएगी तो सारे स्टाफ को वो बता देंगे, सारा स्टाफ पकड़ा जाएगा। आप ही उनकी लग गया था जब हम उनसे बातें कर रही है, हमने ग्रुप सारा यही पकड़ा है कि मेन चीज जब हम कॉल पर बात कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है हमें पूछने का कि हम रिकॉर्डिंग लगाइए कि नहीं लगाइए, हमें बात करने से मतलब है। प्रूफ हमें मिल गया है और फिर उसके बाद में उन्होंने 2 मिनट फोन होल्ड पर रख दिया। होल्ड पर रखने के बाद में फिर उस लड़के का नाम ले लिया निजामुद्दीन के साथ में तो नहीं है, ये निजामुद्दीन तो नहीं इनको ले गए हैं। आप फोन जब शुरू में बात कर रही थी रिकॉर्डिंग को आप कह रही थी तो निजामुद्दीन का नाम तो पहले भी आ सकता था होल्ड पर रखने के बाद में, और होल्ड पर रख दिया होल्ड पर जब चालू हुआ फोन तो फिर आप उस लड़के का नाम ले रही है और हमसे कह रही हो आपकी बेटी सेफ है, आप घर में जाके चले जाइए और आराम करिए। बताइए वो चाहे कांग्रेस हो या हम पार्टी हो या बीजेपी हो, हमारे लिए सब एक है। हम बेटी हमारी नहीं पूरे हिंदुस्तान की बेटियां हाथ जोड़ के मैं यही माफी चाहूंगी, आएगी उनकी जांच चाहिए। खैर अब इस मामले का असली सच क्या है वो उच्च स्तर की जांच से ही पता चल सकता है। फिलहाल इस मामले से सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देश की राजधानी में अगर खुद एक पुलिस कर्मी सुरक्षित नहीं है तो जनता क्या खाक सुरक्षित रहेगी। फिलहाल इस मामले पर पीड़िता का परिवार न्याय की मांग कर रहा है, अगर आप भी उनके साथ हैं तो कमेंट में जस्टिस और राबिया जरूर लिखें। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स।